मैं स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहा हूँ थ्रू सोशल मीडिया और किसी न किसी जरिए से ज़रा मुझे स्पॉन्सरशिप मिले और मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकूँ आयरलैंड के क्लब के लिए सेंट पैट्रिक के लिए। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट ट्रायल हुआ था इस्लामाबाद में, जो मैंने ट्रायल दिए थे, तो मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट हो गया था। मेरे पास तब मोबाइल नहीं होता था, एक नेट कैफ हुआ थी तो उधर जाके वीडियोज़ देखता था। वहीद, सो आपका ये फुटबॉल में इंटरेस्ट कैसे स्टार्ट हुआ? मैं शुरू से ही बचपन से मैं खेलता था अपने गली मोहल्ले में, स्ट्रीट फुटबॉल खेला है मैंने स्ट्रीट लेवल। तो बचपन में मेरे सीनियर्स खेलते थे, ज़रा मुझे शौक़ था कि मैं भी ग्राउंड में जाकर खेलूं, रिप्रेजेंट करूं, लोग मुझे भी अप्रिशिएट करें थ्रू फुटबॉल। तो शौक़ बहुत पहले से था, तो हमारे मोहल्ले में खेलते थे फुटबॉल सीनियर्स, तो तब मुझे खिलाते नहीं था आगे क्योंकि मैं छोटा होता था। तो कोई कीपर नहीं होता था, ये था कि बस मुझे कीपर बिठा देते, बस आपने कीपिंग करने, बॉल आया तो पकड़ने, शूट मारने, बस जिस तरह रोकने रोके। इसी तरह फुटबॉल खेलते खेलते कीपिंग करते करते ज़रा स्किल्स वगैरह इम्प्रूव हो गए, तो एक माइंडसेट बन गया कि मैंने वीडियोज़ देखने स्टार्ट किया फुटबॉल के, जो कीपर्स के वीडियोज़ होते हैं डाइवे शाइवे। तो मेरे पास तब मोबाइल नहीं होता था, एक नेट कैफ हुआ थी तो उधर जाके वीडियोज़ देखता था। स्कूल से छुट्टी होती थी, जो भी लंच के पैसे मिलते थे उस पर जाके वीडियोज़ देखता था। उसके बाद जाके वो अपने जमात खाने में हमारा ग्राउंड था, वहाँ खेलते थे, उधर मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया डाइवे शाइवे। तो जो मैंने एक हफ्ते में सही डाइवे मारी, मारने के बाद अगले हफ्ते में ही मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, ज़रा बेड रेस्ट हो गया मुझे। तो जब बेड रेस्ट था, मतलब लाइक रेस्ट था, बेड रेस्ट तो नहीं कह सकते, रेस्ट था, डॉक्टर ने ख़ुद कहा था कि अब खेलना नहीं है, हिलाना नहीं है, फिर भी मेरे अंदर एक कीड़ा था कि प्लास्टर के साथ भी मैं खेलने लगा। तब तो मैं कीपिंग नहीं करता था, आगे खेलने लगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं अपनी ये प्लास्टर वगलास्तर वो अपना जो हाथ था सेट हो गया, रिकवरी हो गई, रिकवरी के बाद मैं जब अपने ग्राउंड वापस गया, मैंने माइंड सेट बनाया था कि अब मैं कीपिंग नहीं करूँगा, इसमें तो बहुत चोट खाना पड़ता है। फिर जब मैं गया ग्राउंड जमात खाना, तो हमारे जो सीनियर्स थे उन लोगों ने आगे से मुझे मोटिवेट कर दिया कि हमारा शेयर आ गया भाई, आ गया, अब हमारी टीम में होगा, ये होगा, हमारा शेयर रिकवर होकर आ गया, ये वो। तो ज़रा जज्बा पैदा हो गए, फिर आप कीपर ही बैठ गए। मैंने कहा अब तो नहीं छोड़ूंगा, अब बेशक जान जाए। तो फिर इसी तरह मैं खेलते गया खेलते गया। फिर मैं एजुकेशन में मुझे इतनी इंटरेस्ट नहीं थी मोस्टली, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जो गेम में अच्छे होते हैं वो थोड़े से एजुकेशन में लूज़ होते हैं या इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इंटरेस्ट नहीं लेते, और असल में ये हमारे लिए एक प्रेशर होता है। किस लिए है? कैसा प्रेशर भी बताना होगा आपको? प्रेशर ये कि भाई कल सुबह स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, पढ़ना है, लिखना है, शाम होती है, बंदा क्या करेगा? माइंड फ्रेश करना लाजमी है, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, कोई लेजर एक्टिविटी हो ताकि बंदा फ्रेश हो जाए। और कोई क्रिएटिव नहीं होता हमारे एजुकेशन में, मोस्टली ये होता है कि स्कूल जाओ भाई, बस पढ़ो, रट्टा मारो, ठीक है टेस्ट होगा कल, रट्टा मार के आना है, होमवर्क करना है। तो कोई क्रिएटिव चीज़ नहीं होती थी जिसकी वजह से प्रेशर होता है। इंसान जब कोई चीज़ सीखने की कोशिश करता है, जब तक फन नहीं हो उस चीज़ में बंदा एंजॉय नहीं करे, तब तक नहीं सीखता। इसी तरह है। तो इसलिए ज़रा मेरे लिए प्रेशर था ये चीज़। मैं फुटबॉल खेलता था, एंजॉय करता, चोट चोट भी खाता था, घर वालों से छुपाता था, उसमें भी मुझे मज़ा आता था कि कुछ चीज़ें छुपानी भी होती। हाँ, इस तरह होता ना, जब भी कोई स्पेशली जो हम चीज़ करना चाहते हैं ना, तो उसमें बिल्कुल टाइम का जो इल्यूजन होता है वो ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो। ऐसा आपके साथ हुआ है? लाइक फर्स्ट टाइम आपको ऐसा कब फीलिंग आई थी ये टाइम वाले इल्यूजन के बारे में? मतलब टाइम कम होना, हाँ, आपको पता ही ना चले ना, आप 3 बजे गए और रात हो गई, आप खेलते हो यानी इतने इमर्ज हो। हम विंटर वेकेशन होते थे हमारे, तो सुबह 6 बजे जाते थे जमात खाना, चाय शाय पीते थे, उसके बाद ये होता था कि हम खेलते थे। तो तब गर्मी भी नहीं होती थी, कोट शोट पहन के सुबह 6 बजे से 8 बजे तक खेलते थे। फिर ये होता था कि और लड़के आते थे, जो जमात खाने आते हैं वो बाद में आ जाते, उनके साथ भी खेलते थे, खेलते खेलते शाम हो जाते, फिर सीनियर्स के साथ भी खेलते थे। इसी तरह हमारे पास जूते भी नहीं होते थे, मतलब बगैर जूतों के छुगे छू खेलते थे नंगे पे, जो हम छुगे छू कहते हैं। तो इसी तरह खेलते थे फिर सीनियर्स के साथ भी। तो घर में जाके नाश्ता बस जमात खाने में करते थे, दोपहर का खाने का पता ही नहीं चलता था, फिर इसी तरह पूरा दिन गुजरता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में विंटर वेकेशन का कोई काम नहीं किया, कोई असाइनमेंट मैंने कंप्लीट नहीं किया।
वैसे आपको करना चाहिए था, करना चाहिए था, दैट्स नॉट आइडियल बट बैलेंस में हो तो हाँ, बैलेंस होता, हाँ बैलेंस लाजमी है, बैलेंस लाजमी है क्योंकि एजुकेशन बहुत लाजमी है, आई गेस फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और एजुकेशन में भी यह है कि थोड़ा क्रिएटिविटी आनी चाहिए ताकि जो भी पढ़ता है इंटरेस्टेड होना चाहिए उसी चीज़ में। अब मुझे फुटबॉल में जितने भी चैलेंजिंग हो, मैं बहुत शौक से खेलता हूँ, बहुत शौक से ट्रेनिंग करता हूँ, जितने भी मैं इंजरीज हो मैं जाता हूँ ट्रेनिंग पे। इवन यानी आप एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन आप परस्यू कर सकते हैं ना, परस्यू कर सकता हूँ, इसलिए मैंने अपना माइंड सेट बनाया, फर्स्ट मेरा जो होगा प्लान अपने लाइफ में फुटबॉल में ही होगा, एज अ प्रोफेशनल प्लेयर मैं अपनी कैरियर परस्यू करूँ, इनकेस अगर वो नहीं होता है तो मैं एज अ फुटबॉल कोच जो होता है ट्रेन करते हैं किसी टीम को, बच्चों को, एज अ फुटबॉल कोच मैं अपनी कैरियर। और आप ट्रेनिंग भी देते हैं, मैंने आपको सोशल मीडिया पे देखा है एक दो वीडियो। अभी तो मैं एज अ ग्रासरूट फुटबॉल कोच एंड असिस्टेंट कोच ऑफ वन ऑन फुटबॉल ट्रेनिंग, जो पाकिस्तान का फर्स्ट प्राइवेट ट्रेनिंग जो है प्रोफेशनल प्लेयर्स और ग्रासरूट प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं इंडिविजुअली, जो प्रोग्राम है उसका मैं असिस्टेंट कोच हूँ और ग्रासरूट प्रोफेशनल कोच हूँ। और जब मैं अपने बेसिकली मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, मेहरान फुटबॉल क्लब के लिए खेलता हूँ, तो उसके साथ मैं वन ऑन वन भी करता हूँ और एकेडमी का कोच भी हूँ। तो जब मैं अपने गांव में आता हूँ तो मैं अपने बच्चों को जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक कोशिश करता हूँ अपने एंड से कि कोई न्यू इन्वायरमेंट पैदा करूँ ताकि इंटरेस्टेड हो एजुकेशन के साथ अपना ये फिज़िकल जो एक्टिविटी है वो भी साथ साथ चलाए ताकि एजुकेशन इन पर बर्डन ना हो। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पता है आजकल हमारे हालात हमारे सिटी के हमारे गांव के तो नशा वगैरह में बहुत ज़्यादा हैं, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक पॉजिटिव यू नो पॉजिटिव हाँ कोई एक न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट करो जहाँ से मतलब मजबूरन भी वो चीज़ कर सके, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसी चीज़ हर बंदे ने खेलना है, हर बंदे ने इन्जॉय करना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो इन चीज़ों पे अमल नहीं करता है तो फुटबॉल भी ना खेले। तो फुटबॉल बेसिकली हमारे लिए एक न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ताकि बच्चे सीखे इससे बहुत कुछ। और आपने जीबी को कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है? मैंने जीबी को ऑल पाकिस्तान अंडर 17 इवेंट में रिप्रेजेंट किया था इधर गिलगित में ही, मैंने इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट किया कैपिक के ऑल गेम्स में, और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया मैंने। कॉन्ग्रेट्स कि आपकी सिलेक्शन हो गई ट्रायल के लिए स्पेन में, तो बता दें मून कि कैसे हुआ ये सब? ये था कि मैं GSV आप सुनना होगा अपने कामयाब जवान के साथ कोलैबोरेशन करके एक पाकिस्तान में ओवरऑल एक इवेंट हुआ था जो टॉप 10 मेन सिटीज़ में हुआ था, ट्रायल्स हुए थे, ट्रायल्स आयरलैंड के क्लब के लिए ST पैट्रिक्स और सेंट पैट्रिक के लिए। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट ट्रायल हुआ था इस्लामाबाद में, जो मैंने ट्रायल दिए थे तो मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट हो गया था टॉप 10 प्लेयर्स में इस्लामाबाद। तो मेरा कोच कैरल के साथ कांटेक्ट हुआ था और उसके साथ मैंने अपने वीडियोस वगैरह उसको भेजे थे। तो ये मालागा सिटी एकेडमी जो है स्पेन में उसको ये वीडियोज़ पहुँच गए थे थ्रू कोच कैरल। तो उसने ये वीडियोज़ वगैरह भेजने के बाद मुझे ये आगे से रिस्पॉन्स आया कि मालागा सिटी एकेडमी का जो कैंप और ट्रायल जो होता है वो अब होने वाला है, तो उसके लिए वीडियोज़ वगैरह भेजे थे। तो उसने कहा कि आप को ट्रायल देने के लिए कुछ फीस वगैरह जमा सबमिट करवाना पड़ेगा, स्पेशली यूरोप में तो फुटबॉल बिजनेस आप है जी जी ऑब्वियसली, तो ये ट्रायल्स का जो था ये फीस सबमिट करवाना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर जाके मैं ट्रायल दे। और इनकी फीस कितनी है वैसे? फीस रफली 13 लाख, हर चीज़ मिला के, खाना पीना, एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, वीज़ा, हर चीज़ प्रोसेस के साथ। मैं आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ ना, तो आप बड़े यानी चैलेंजिंग है, यानी आप बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे, और माशाल्लाह आप खेलते भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। और तो ये अब जो ये फ़ंड रेज करना है या जो ये इसके यानी ट्रायल के लिए जो चाहिए होगा पैसे, तो उसके लिए क्या आप पर्सनली फाइनेंस कर रहे हैं या क्या सीन इसका? पर्सनल तो मुश्किल है, मेरे फाइनेंशियली कंडीशंस ठीक नहीं है, मतलब हम उस ऑब्वियसली गिलगित बल्तिस्तान में तो तकरीबन सबके साथ ऐसा। तो मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर बहुत मुश्किल है जी। 13 लाख तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, तो बस ये है कि
मैं स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहा हूँ थ्रू सोशल मीडिया और किसी न किसी जरिए ज़रा मुझे स्पॉन्सरशिप मिले और मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकूँ। अच्छा, तो अभी तक कोई प्रोग्रेस है? अभी तक मैंने काफ़ी जगहों पे अपने प्रपोजल्स वगैरह पोर्टफोलियो जो भी थे वो सबमिट करवाए, डिटेल्स के साथ कन्फर्मेशन लेटर भी आया वेस्ट फ्रेंड से, तो वो हर चीज़ मैंने सबमिट करवाया। तो उन लोगों ने आगे से रिस्पॉन्स दिया है कि जितना भी हमसे हो सकेगा हम करेंगे, और अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वहीद, कोई मैसेज आखिरी जो आप देना चाहें हमारी ऑडियंस को, जितने भी यंग बच्चे हैं जो परस्यू करना चाहते हैं फुटबॉल को एज अ करियर? बस ये कि मेहनत करें, बिलीव योरसेल्फ, जब आप अपने ऊपर इतिबार करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। जस्ट मेहनत करें, फोकस रहें और मेहनत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आपका जो विजिट है स्पेंग के लिए, उसके लिए अगर इन्हें कोई सपोर्ट करना चाहता है, स्पॉन्सरशिप देना चाहता है, तो प्लीज़ डू कनेक्ट विद वहीद, उनके लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में होंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।